अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। यह है मेरा अपवर्क का प्रोफाइल। आप देख सकते हैं मैं टॉप रेटेड हूं अपवर्क में। मैं बहुत अरसे से काम नहीं कर रहा और मैंने तकरीबन $10,000 कमाए हैं। 64 जॉब किए हैं, 375 आवर्स काम किया है। और मतलब ये है कि जो पिछली मेरी जॉब थी वो अप्रैल 16, 2022 को ख़त्म हुई। ये वाली साइस प्लेटफॉर्म की भी 2022 में हुई। या मार्केट रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन मैंने ये काम इसलिए किया है ताकि मैं दोस्तों को गाइड कर सकूँ। अगर मैं किसी को सही रास्ते में गाइड कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। आपने सबसे पहले upwork.com पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, जिस तरीके से आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं। कोई मुख्तलिफ जो है ना चीज़ नहीं है। उसके बाद आपने जॉब सर्च करनी है, ठीक है। अब पहले मैं सर्च कर लेता हूँ जिस तरीके से टाइपिंग जॉब्स, ठीक है ना। मैंने टाइपिंग जॉब सर्च किया है। आप अगर बिल्कुल भी आपके पास स्किल नहीं है, आप टाइपिंग जॉब कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बंदा यूनाइटेड किंगडम से एक चीज़ मांग रहा है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कैटलॉग इसने बनाना है। तो वो कह रहा है, हम एक ऐसा वी आर लुकिंग फॉर अ डेटा रिसर्च एंड एंट्री प्रोफेशनल हु कैन इफेक्टिवली वर्क विद अ स्प्रेडशीट टू असिस्ट यू। यानी कि एक्सेल की शीट में आपने डाटा डालना, और वो दे रहे हैं $4 से लेकर $10, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट अ प्रपोजल करना है। मैं जॉब नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रपोजल कैसे लिखना है। अब मेरे पास इस वक्त 68 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, और हम ऐसा करते हैं कि $50, क्योंकि उसने कहा था 4 से 12, तो यहाँ पे आपने $3 लिखना है ताकि आपको जो है ना कम से कम पैसे हों, ताकि आपको मिले। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे उस बंदे का लिखेंगे डियर हायरिंग मैनेजर, यानी वो बंदा जो नौकरी दे रहा है, ठीक है। मैं अब अपनी प्रोफाइल नहीं लिखता। लेट से मैं अगर अपनी प्रोफाइल लिखाऊँ, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने अप्लाई करना, स्पेशली वो लोग जो स्किल्ड नहीं है, तो आपने बता दें माई नेम इज़, अपना नाम लिखें यहाँ पे। मैं अपना नाम लिखा मोहम्मद फारूक, ठीक है ना। I am an expert in typing. Kindly consider me for this job. I will take care of accuracy with the ability to complete the job on time. I will make sure that I am meeting deadline. I will be available whenever required. Niche likhen, looking forward to connect with you and having this project. ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सेंड फॉर कनेक्ट, फिर आपने इसको ओके करना है। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस पर अप्लाई नहीं करना। अब ये तो था बेसिक लेवल की जॉब, ठीक है ना, $3 लेवल की जॉब। और जॉब सर्च करते हैं, Amazon असिस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 1170 जॉब्स हैं इस वक्त। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अकाउंट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एक बंदे ने दिया है। इस पे तकरीबन 50 लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है। $10 से $50 तक वो बंदा दे सकता है। ये बंदा पक्की किसी ने, हेलो ड्रॉप शिपर्स, आई वांट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन फ्रॉम पाकिस्तान। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट इन US मार्केट, बट व्हाट यू सजेस्ट इन UK USA वी विल बी डिस्कस मोर इफ यू आर सजेस्टिंग बेस्ट आइडिया। इसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना, ये पाकिस्तानी बंदा है, ये तंग करेगा आपको। और चांसेस आर कि इसने कहीं और से काम पकड़ा है, फिर आपको देगा, यानी 2-4 बंदे आपको पैसे काट रहे होंगे, तो ये बंदा आपको महीने में $100-$200 देगा। इसके साथ काम नहीं करना। और प्रोडक्ट लिस्टिंग, अच्छा, कोशिश करनी है आप फ्रीलांसिंग जब कर रहे हो तो इंडियन पाकिस्तानी लोगों से बचो। इनके पास काम खुद नहीं होता, ये अमेरिका के किसी बंदे से काम पकड़ते हैं, फिर आपको देते हैं, उसमें फिर वो मुख्तलिफ कट लगाते हैं। ये मेरा, इस बात को हमेशा याद रखें, अगर आप
Amazon VA high profit. I am looking for someone who can do Amazon A to Z VA with high profit. I tried two other Amazon VA dropship but were no good and no profit, just delay. So now I wish someone who can start away with me sale and enjoy. I have 27 credit card limit. ठीक है ना, इस बंदे को आप देख सकते हैं. अच्छा, इस बंदे का आप ये भी देख सकते हैं पहले इसके साथ किसने काम किया. ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीलांसर थी एरिया कटरीन, उसको उन्होंने कहा वो कह रहा कि अच्छा क्लाइंट नहीं है का, जो कटरीना कह रही है जो फ्रीलांसर है. ईबे वीए ये मांग रहा था बंदा. थैंक यू सो मच उमर, द सेलर हैज डन एन अमेजिंग जॉब इंक्रीजिंग माय ईबे अकाउंट सेल्स. ठीक है, गुड क्लाइंट. ठीक है, देखो इस बंदे के जो रिस्पांस है, खास तौर पर जो सिर्फ एक एक बंदी का रिस्पांस अच्छा नहीं है, बाकी सबका अच्छा है. उसने फ्रीलांसर को अच्छा टारगेट किया, लेकिन फ्रीलांसर ने अच्छा टैग नहीं दिया. अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे आउटसाइड अपवर्क उसने कहा था और उसका लॉस हुआ था, जिस पे उसने मुझे ब्लेम किया है. अब अल्लाह जानता है कौन सा ये. अलबत्ता इसके ज़्यादातर जो जिसके साथ लोगों ने काम किया तो वो खुश हैं, तो आप अप्लाई करें. $100 की प्राइस है, बहुत कम प्राइस है. आप अगर करना चाहें तो आप कीजिएगा. अमेजोन FBA की जॉब है. ठीक है ना, लिस्टिंग को आपने अगर अपडेट करना है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. मिसाल के तौर पर आपने अभी इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, 5 न्यू कलर वेरिएशन ऑन एग्जिस्टिंग अमेजोन लिस्ट. अब आपने क्या करना है, इसको अगर आपने सीखना है तो आप जाएं यूट्यूब पर. हाउ टू क्रिएट वेरिएशन ऑन एग्जिस्टिंग अमेजोन लिस्ट, ये देखो, ये आपको वीडियोज मिलेंगे, ये आपको लिस्टिंग का तरीका बताएंगे अमेजोन के ऊपर एग्जैक्टली. तो आपको कोर्स की ज़रूरत नहीं है, यही वजह है मैं पहले कहता हूँ. आप जाएं अपवर्क पर, फाइबर पर जॉब ढूंढें और फिर साथ में उस जॉब के लिए सीखते रहें. कमा भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, ये बेस्ट तरीका है. ठीक है, अमेजोन पे अगर आपने काम करना है तो आपने पहले अपवर्क का अकाउंट बनाना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं और काम करना है इस तरीके से. अगर आप डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनर जॉब सर्च करें. जिस तरीके से हमने पहले जॉब के लिए अप्लाई किया, क्लिक करना है, अप्लाई करना है. ये काम है जो MBA के स्टूडेंट या बाकी सारे कर सकते हैं बगैर स्किल के, वो है मार्केट रिसर्च, जिसमें आपको मुख्तलिफ कंपनीज की प्रेजेंटेशन बनानी है. मार्केट एकेडमिक रिसर्चर, अगर आप एकेडमिक हैं तो ये आप कर सकते हैं. माल्टा से ये नौकरी है और $30 बंदे ने खर्चा किया है, वेरीफाइड अकाउंट है. वी आर लुकिंग टू हायर अ डिपेंडेबल रिसर्चर टू वर्क ऑन वेरियस कंपनी प्रोजेक्ट्स. द रिसर्चर ड्यूटीज इंक्लूड अलाइनिंग मेथोडोलॉजीज विद रिसर्च गोल, यूजिंग अ रेंज ऑफ टूल्स टू अक्वायर इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट डेटा, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स, कैजुअल मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आप ये जॉब कर सकते हैं, उसने सारी डिटेल दी है, आपने पूरा इसको पढ़ना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है. वो कह रहा है कि एज वेल एज प्रोटेक्टिंग डेटाबेस एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. हाँ, वो कहता है ऐसा बंदा हो जो डाटा दूसरों के साथ शेयर ना करे, हम जो उसको रिसर्च का काम देंगे. रिसोर्सफुल, डेमोंस्ट्रेट एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल्स, आउटस्टैंडिंग रिसर्चर, पैशनेट अबाउट देयर प्रोजेक्ट, कंडक्टिंग डेस्कटॉप रिसर्च, यानी आप डेस्कटॉप पे रहकर सर्च करें, रिसर्च को एक्सप्लेन करें, रिकॉर्ड करें फाइंडिंग्स को, और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को प्रोटेक्ट भी करें, मेंटेन भी करें, बजट स्केड्यूल्स वगैरह भी बता सकता हो, रिसर्च इश्यूज के बारे में सॉल्व करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए बंदे में, प्रॉब्लम होता है तो जल्दी बता भी सके, एक्सप्लेन कर सके, प्रपोजल लिख सके, मास्टर डिग्री प्रेफरेबल है उसके पास हो, बैचलर डिग्रीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हो रिसर्च का, रिसर्च मेथोडोलॉजीज का पता हो, ऑफिस का पता हो, स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल एप्टीट्यूड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो. ये ऐसा बंदा जिसने MBA किया हो, ये सारी स्किल उसमें होती हैं. ठीक है, अब आप उस पर क्लिक करें. हमने जॉब देखा, हमने रिस्पांसिबिलिटी देखी, हम देखा ये बंदा औसतन 6-3-4 डॉलर दे रहा है, $30 इसने स्पेंड किए, 195 इसका वो है. अगर रिव्यूज़ देखें तो 33 में से लोगों ने इसको 4.6 दी रिव्यूज़ दिए. इसके क्लाइंट्स आप देख लें, नादिया एंड हर टीम, तो इसका मतलब है जो आपको हायर करेगी उसका नाम नादिया है. ठीक है,
और इसको अब आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी, अब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपवर्क के ऊपर मौजूद बेहतरीन बंदा हूँ, बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस हवाले से ये है। आप खुद अपने हाथ पाँव मारें, आप हो सकता है कल मुझसे ज़्यादा काबिल हो जाएं। हमने देखा हो कि वो बंदी औसतन $6 देगी, तो हम $100 यहाँ पर लिखेंगे। आपने क्लाइंट का बजट देखना है, उसका औसत स्पेंडिंग देखना है ताकि आपको जॉब मिले। सिर्फ अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता। यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पेक्टेड नादिया एंटी, थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अब मैं खुद PhD हूँ, माय नेम इज फारूक, डिड PhD इन मैनेजमेंट साइंसेस, आई एम अवेयर ऑफ रिसर्च methodologies and reporting techniques through using descriptive and inferential statistics। ठीक है, उसके बाद I have written several research papers, research blogs which are attached for your reference। Okay, नीचे आप लिखेंगे I can keep the database updated, I also assure you that I will not share confidential data with anyone, I look forward to be part of your great team and work with you, I can adjust my work schedule as per your convenience and company requirement। Kindly consider me for this opportunity। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दूँ looking forward to contact with you and having this project। ठीक है, regards फारूक, अपना नाम आप लिखेंगे। ठीक है, इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, आप 5000 करेक्टर तक भी लिख सकते हैं। अब हमने अपना प्रूफ अपलोड करना है कि हमने वाकई काम किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसर्च। ठीक है, जब मैंने रिसर्च देखा, सैंपल रिसर्च पेपर, ये 3 आ रहा है, सेकंड सैंपल रिसर्च पेपर, 1 सैंपल रिसर्च पेपर, मैं इसको और इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अटैचमेंट कर दिया प्रूफ के तौर पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कौन से पेपर हैं। ठीक है, दोबारा जाते हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ झूठ बोल रहे होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री अच्छी है, अगर आपके काम अच्छे हैं, तो आपको पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको दिखाना पड़ता है कि मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये काम है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरा रिसर्च पेपर है, इम्पैक्ट ऑफ OTT ऑन टेलीकॉम कंपनीज। ये मैंने और मेरे प्रोफेसर थे, 2019 में हमने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये अब मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज के CEO के साथ हमने शेयर किया था। बड़ी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है, बड़ी जगहों पे इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपने प्रूफ किया हुआ है कि आपके पास कुछ है, फिर आप आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए।
अब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है हमें मिल जाए, हो सकता ना मिल जाए, मैं बाद में इसको बताऊंगा कि हमने टेस्ट किया था, मैं खुद अवेलेबल नहीं हूँ काम के लिए, तो हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखें ये हमारा जमा हो गया प्रपोजल। ठीक, और अगर इसमें हमें हायर करना हुआ, ये हमें कॉन्टेक्ट करेगा, ये हमें मैसेज करेगा, मुख्तलिफ क्लाइंट्स हमें मैसेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लोग आपको यहाँ पे मैसेजेस पे आपका आ रहा होता है। मेरे पास मेरे ख्याल में कोई एक्टिव जॉब या कोई एक्टिव काम नहीं है, क्योंकि मैं इस पे 2-3 महीने से काम नहीं कर रहा। तो ये है अपवर्क, इसमें बेसिक जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है, आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जिनके लिए आप काम कर सकते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें। कोई भी काम करना है आप यहाँ पे काम करें। मैं फाइवर पे काम नहीं करता क्योंकि फाइवर इसराइल की कंपनी है और मुझे लगता है जब तक वो फलस्तीन के लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे मैं फाइवर पर काम नहीं करूँगा। मैं अपवर्क पे काम करता हूँ, अमेरिकन है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आप मतलब किसी भी किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग टीचर होते हैं तो आप यहाँ पे टीचर जॉब सर्च करें। ठीक है, लोग कहेंगे हमें टीचर रिक्वायर्ड है, इंग्लिश ट्यूटर, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए किसी को चाहिए, आप उसको पढ़ाएंगे, वो 10-15 से $20 आप सीख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स के लिए जॉब इस पर अवेलेबल होती है। तो ये मैंने आज आपको शेयर करना था, उम्मीद है कि बड़े लोगों की इसमें हेल्प हो गई, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको कैसा लगा।